भारतीय रेसलर साक्षी मलिक इन दिनों अपनी किताब विटनेस को लेकर खासा चर्चाओं में है। इस किताब में साक्षी ने अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में लिखा। साक्षी ने इसी किताब के बारे में दिए गए इंटरव्यू में अपने साथियों के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जिसकी उम्मीद किसी को ना थी। साक्षी के आरोपों के बाद विनेश फोगाट ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली जिसे उनके ही साथ जोड़कर देखा जा रहा। बीते साल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ पहलवानों ने धरना दिया। इस धरने की अगुवाई बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट साक्षी मलिक तीनों एक दूसरे को संघर्ष का साथी बताते आए। पेरिस ओलंपिक से लौटने के बाद विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और विधानसभा चुनाव लड़ी, जीत भी गई। बजरंग भी पार्टी में शामिल हुए। साक्षी मलिक ने आरोप लगाया कि दोनों के मन में लालच आ गया है। उनके इस इंटरव्यू के कुछ समय बाद ही विनेश फोगाट ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई। इस स्टोरी में लिखा, आप हर जो चीज सुनते हैं उस पर ध्यान ना दें। हर कहानी के तीन पक्ष होते हैं, आपका, उनका और सच। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन साक्षी के बयान के बाद सभी इस पोस्ट को साक्षी मलिक से ही जोड़ कर देख रहे हैं। धरने के बाद होने वाले एशियन गेम्स में बजरंग पुनिया विनेश फोगाट को ट्रायल में छूट दी गई थी। साक्षी मलिक का कहना, विनेश और बजरंग पुनिया ने लालच में आकर छूट ली और उसका नुकसान उठाया। साक्षी ने पत्रकार जोनाथन सिल्वराज के साथ मिलकर लिखी गई किताब में लिखा है, स्वार्थी सोच का पुराना तरीका फिर हावी हो रहा था। बजरंग और विनेश के करीबी लोगों ने उनका दिमाग में लालच भरना शुरू कर दिया। अब वे खेलों के ट्रायल से छूट की बात कर रहे थे। बजरंग और विनेश के छूट लेने के फैसले से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उनके फैसले ने हमारे प्रदर्शन और छवि को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया। इसने हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां कई समर्थकों को लगने लगा हम वास्तव में मतलबी कारणों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने बीजेपी नेता बबीता फोगाट पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, वो खुद भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पहलवानों को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उकसाया। साक्षी मलिक ने विनेश फोगाट बजरंग पुनिया के साथ मिलकर पिछले साल WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था। तीनों पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दूसरे पहलवानों के साथ धरना दिया। इस दौरान उन्होंने ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाकर जांच की मांग की थी। अब साक्षी ने एक इंटरव्यू में दावा किया, ये प्रदर्शन बबीता के कहने पर ही हुआ था क्योंकि वो ब्रजभूषण सिंह को हटाकर WFI के अध्यक्ष बनाना चाहती थी। साक्षी ने भी दावा किया, पहलवानों के प्रदर्शन में कांग्रेस ने नहीं बल्कि बीजेपी हरियाणा नेता तीरथ राणा और बबीता ने हमें प्रोटेस्ट की परमिशन दिलाई थी। बबीता ने हमें अप्रोच किया था, बबीता के मन में लालच था, वो ब्रजभूषण की जगह WFI के प्रेसिडेंट बने। बबीता ने कई पहलवानों के साथ एक मीटिंग रखी थी, उन्होंने सारे रेसलर को उकसाया था। साक्षी का कहना है, आंदोलन पूरी तरह बबीता के कहने पर ही हुआ था। हमें भी फेडरेशन के अंदर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की जानकारी थी। हमें भी ये लगता था अगर फेडरेशन की चीफ एक महिला खिलाड़ी होगी तो इससे काफी बदलाव होगा। हमें लगा वो एक अच्छी खिलाड़ी है, वो हमारे संघर्ष को समझेंगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस तरह हमारे साथ खेल हो जाएगा। हमें तो लगा था हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठेंगी, एक रेसलर के तौर पर आवाज उठाएंगी।